चलिए निम सेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, सेजल वर्मा से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 65 है, जो कि यूपी मुजफ्फरनगर से हैं। और सेजल ने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव किए, तो वेल डन बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 65 के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो सेजल, आपकी सक्सेस जर्नी क्या है इंटायर, वो बताओ आप। आपने कब निम सेट के लिए सोचा था, फिर आपने प्रिपरेशन की फाइनल ईयर के साथ, दोनों को कैसे मैनेज किया, मतलब इंटायरली आपने कब क्या प्लान किया, वो मैं चाहूंगा आप बताओ बच्चों को। सर मैंने अपनी सेकेंड ईयर में निम सेट की प्रिपरेशन शुरू की थी और मैंने आप शुरू से ही मैं आपके कोर्स से जुड़ी हुई थी सर। और मैं बिल्कुल कंसिस्टेंटली मैंने पढ़ाई की, जो जो आपने कहा एक एक चीज मैंने फॉलो करी, बिल्कुल आप पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया। आपने जो एनालिसिस करे मैंने वो एनालिसिस करे, जो आपने टेस्ट देने को कहा मैंने वो टेस्ट दिए, जो जो आप कहते गए बस मैं फॉलो करती गई सर। देखो, जो जो मैंने कहा वो आपने फॉलो किया, और आज आपके सामने उसका एक रिजल्ट भी है। अच्छा सजल, ये बताओ कि क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न का था, तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में थे और एग्जाम दे रहे थे, तो उस समय कुछ प्रेशर आया था, और आया था तो कैसे हैंडल किया, क्योंकि कई बच्चे उसको हैंडल नहीं कर पाए या कई बार ज्यादा मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? सर प्रेशर तो मैंने खुद भी बहुत ले लिया था और उसकी वजह से मैंने नेगेटिव में बहुत मार्किंग अपनी ले गई हूँ, लगभग लगभग 50 से 60 मार्क्स नेगेटिव में गए हैं। बट हाँ, 3 4 क्वेश्चन के बाद मैंने ये सोचा था कि ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, संभाल के अच्छे से कर ले, तो बाकी मैंने आगे जो करा वो संभाल के किया, अपने आप को माइंडसेट बना के कि सबके लिए ही हार्ड है, अगर पेपर हार्ड है तो खाली मेरे लिए नहीं है। अगर आप ये थोड़ा सा रॉन्ग नहीं होते ना, तो आज आप 10 टॉप 10 टॉप 20 में होते। बट एनीवे, उसके बाद भी आपने तुरंत अपने आप को एक प्रॉपर मैसेज दिया कि अभी अच्छा नहीं किया तो ड्रॉप लेना पड़ेगा। देखिए कितनी कितने छोटे छोटे मैसेज से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और उसका आपको सामने रिजल्ट भी मिला। अच्छा, फाइनल ईयर के साथ जब आप क्योंकि सेकेंड ईयर से आप जुड़े हुए एमपीटस से पढ़ाई भी कर रहे थे, तो आपके ऊपर कभी ऐसा कोई प्रेशर आया कि दोनों मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, या दोनों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि ये अक्सर कई लोग मैनेज नहीं कर पाते। हाँ जी सर, थोड़ा सा तो दिक्कत आती थी बट मैं क्या करती थी, अपनी बुक्स जो है वो कॉलेज ले जाती थी, तो क्लास में एक पीछे कोना पकड़ा हुआ था मैंने, वहां पे बैठ के मैं पढ़ती रहती थी, क्योंकि कॉलेज में तो सिर्फ अगर बेसिक भी पढ़ रहे हो तो भी आप पास हो रहे हो एक अच्छे सीजीपीए के साथ, तो मैंने फोकस हमेशा निमसेट पे रखा, पीछे बैठ के पढ़ती थी। और जब पेपर मेरा आता था सेमेस्टर का, तब मैं 3 4 दिन पहले थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस कर लेती थी। आपने जो बात बोली ना, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि कॉलेज की पढ़ाई अगर कॉलेज में ही खत्म कर लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता। कॉलेज का घर लाना ही नहीं है काम। और वो आपने बहुत अच्छी आइडियल बात बताई, तो जो बच्चे ये बात सुन रहे हैं, आप ध्यान रखो, अगर फाइनल ईयर में अपेयरिंग हो तो जितने घंटे कॉलेज में रहते हो, क्योंकि पूरे समय कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी होती, तो आप कॉलेज के समय में कॉलेज की पढ़ाई खत्म करो, जिससे आपका ये साल बच सके। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपके लिए। अच्छा ये बताओ, आपके स्कोर कितने थे मैथ्स, एलआर और कंप्यूटर सेक्शन में, किस ढंग से आपने मैनेज किया वो भी बताओ। सर मैथ्स में मेरा स्कोर 318 के अराउंड था और एलआर में 147 के अराउंड था, कंप्यूटर में 62 के अराउंड था और इंग्लिश में 15 के अराउंड था। तो ओके, मैथ्स, हाँ जी सर, तो मैथ्स में मैं सबसे ज्यादा, सबसे पहला सेक्शन ही मैथ्स था, उसमें पैनिक हुई तो उसमें स्कोर गिरा, पर क्वांट्स ने संभाला, फिर कंप्यूटर ने संभाला और इंग्लिश ने संभाला। और फाइनली आपका बेस्ट रिजल्ट आया, वेल डन। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, क्योंकि आपने बहुत अच्छे समय रहते हुए पढ़ाई करी थी, आज उसके वजह से आपको ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ा, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा बच्चों के लिए? जूनियर्स को तो मैं ये कहूंगी कि मैंने एक सॉन्ग से एक लाइन पकड़ी हुई थी कि मौका उसका जिसने छीना, तो उनको मैं यही बोलूंगी कि बस मेहनत करो, एक साल आपका आखिरी साल है, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये शंका ना हो कि आएगा या नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा, अपने पिता अपनी माता के लिए मेहनत करो। बिल्कुल सही बात है, बिलीव करो और अपने ऊपर शंका मत करो, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात बोली सजल आपने। अब मैं चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स से भी मिलूं, बहुत खुशी है मुझे, उनसे मिलूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जी सही है, मेरी मॉम है। हेलो जी नमस्कार, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, इतनी अच्छी रैंक लाई है आपकी बिटिया ने, थैंक आपको भी बधाई सर, बहुत यू। बहुत। जी तो जी कुछ बताएं आप सेजल के बारे में, किस ढंग से पढ़ाई, क्योंकि वो सिंसियर तो दिखती है बच्ची, कोई डाउट ही नहीं है, पर फिर भी आप उसको क्या कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए, किस ढंग से पढ़ाई करती थी घर में और किस तरह का इसने माहौल क्रिएट किया था। ये बचपन से ही ऐसी है, मतलब पढ़ाई के आगे ना इसे नींद भी छोड़ देती थी, तो रात को जी भी सपने है ना, नींद में भी पढ़ाई की बातें बड़बड़ाती रहती थी। जी। और पढ़ाई के तो लिए कहीं भी घूमना, कहीं कहीं पर भी नहीं जाती थी, ये बस पढ़ाई थी इसके लिए सबसे पहले।
और देखिए उसी वजह से आज इतना अच्छा रिजल्ट है और फाइनल ईयर के साथ रिजल्ट है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसके लिए। हाँ अब जी आप हाँ जब भोपाल आएंगे तो आपसे मुलाकात भी होगी। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं वंस जी, थैंक अगेन। यू सर, थैंक थैंक यू यू थैंक सर, यू, ऑल द थैंक बेस्ट सजल, बहुत अच्छी रैंक आई बता, बहुत बढ़िया, थैंक थैंक यू। यू।